चुनावी साल में भाजपा ने हुकार भरी। करीब 4 घंटे की जद्दोजहद और मशक्कत के बाद आखिरकार जो सरकार तक मैसेज पहुंचाना था वो मैसेज भी पहुंचाया और अब अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस इनको हिरासत में नहीं लेना चाहती थी, लेकिन इन पदाधिकारियों ने स्वयं ही गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारियाँ दी है। इसके साथ ही 4 बसों में भर के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के उन्होंने यहाँ पर अपनी गिरफ्तारियाँ दी है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को भी ने भी यहाँ पर गिरफ्तारी दी है और जो यहाँ पर पिछले 2-3 घंटे से माहौल बना आ रहा था वो माहौल अब शांत हो चुका है। पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी के आला नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान जो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल रहा है इसमें पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, इसके साथ ही तमाम जो भ्रष्टाचार हैं वो तो किए ही हैं, लेकिन अब ये जो लाल डायरी है वह सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में उतर चुकी है। चुनावी का जो बिगुल है वो उसने बजा दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी चेतावनी दे दी है कि यदि सरकार जल्द ही पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है तो बीजेपी एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगी और बड़ा आंदोलन करेगी।